ओवरलोडिंग और खनन माफिया को खत्म करने की बात करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए खनन माफिया अभी चुनौती बना हुआ है। कानपुर में मोरंग और बालू माफिया का सिंडिकेट सामने आया है। ओवरलोडिंग की कार्रवाई से बचने के लिए गाड़ियों में नंबर प्लेट बदले जा रहे हैं। एक तरह से सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। कानपुर के अलियापुर टोल प्लाजा पर ओवरलोडिंग का बड़ा खुलासा सामने आया है। से हमारी ये बहुत हुई ये बड़ी है कि हमारी गाड़ियों का खड़ी होने के बाद मतलब जो ई चालान ओवरलोड का आ गया है हमारे पास। कैसे हो रहा, क्या मामला है? मामला ये कि कुछ गाड़ी वाले ज्यादा ओवरलोड गाड़ी निकालने के लिए नंबर प्लेट बदल के गाड़ी निकाल रहे हैं। तो इस मामले में कोई शिकायत आपने करी है? शिकायत एआरटीओ महोदय को हमने एप्लीकेशन दिया है, कल डीएम साहब के पास जाएंगे। और बहुत सारे गाड़ी मालिक कार्यालय में आ रहे हैं कि हमारी गाड़ी का गलत चालान हुआ है, हमारी गाड़ी खड़ी है और हमारा चालान टोल से आ रहा है। तो इसका मतलब कि गाड़ी मालिक जो है नंबर टोल से निकलते समय जो है नंबर बदल ले रहे हैं और दूसरे नंबर से जो है ये गाड़ी टोल से पार करा रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठक करके और इस पर एक निर्णय हम लोग एक रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से इन पर अंकुश लगाया जा सकता है।